दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ असैनिक। ये बदला सा मौसम आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जो है देश के जो विभिन्न राज्यों में इलेक्शन के लिए खासकर 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, जवानों की छुट्टियां भी हो सकता है रुक गई हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, छुट्टी यारों मिलेगी। और गवर्नमेंट को आपके ऊपर बहुत भरोसा है ना कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। खैर, मुद्दे की ओर आते हैं। आने वाले 14 फरवरी का दिन, जब कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत दी, चिथड़े चिथड़े उड़ गए और पूरे देश ने जो है उस टाइम पे दिए और मोमबत्ती जलाई गई, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अब अभी 14 फरवरी को मैं देश के खासकर युवाओं से अपील करना चाहूंगा, उन पैरामिलिट्री परिवारों से अपील करना चाहूंगा कि आइए देश के जितने भी अलग अलग वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और युवाओं से खासकर कि इस बार वैलेंटाइन डे की बजाय उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए हमारी टीम पूरे इंडिया के जितने भी एसोसिएशन एक बार फिर से शहीदों के लिए दिए मोमबत्ती जलाए जाए। वो दिन है 14 फरवरी। मैं उन शहीदों की बात करता हूं, मैं उन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की बात करता हूं जिनको जो आए दिन शहीद होते रहते हैं और जिनकी पेंशन नहीं है। गंभीर मुद्दा। और चाहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज, तो आपको ही पता है कि वो लोग पेंशन ले रहे हैं, आपकी जो है जितने चाहे 2.5 दिन का सांसद हो वो पेंशन ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील कि एक होली का बनंजा दें, पुरानी पेंशन बहाली का, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन गलवान और पुलवामा शहीदों को। जय हिंद।